हेलो फ्रेंड, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मल क्लासेस में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो डाला जाए तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन जाए। चलिए देखते हैं आज क्लास नौ का देखेंगे प्रश्नावली 2.95 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें दे रखा है उपयुक्त सरल समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है आपका कि एक्स प्लस फोर एक ब्रैकेट में है और दूसरे ब्रैकेट में है एक्स प्लस टेन। ठीक है, और इसको सर्वसम्मिका यूज करके हमें लगाना है। तो देखिए, ऑलरेडी फार्मूला होता है कि एक ब्रैकेट में अगर एक्स प्लस ए हो और दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस बी हो, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, तो पहले हम सवाल हल करने से पहले हम पहले फार्मूला को समझते हैं कि फार्मूला आया कैसे और क्या हुआ है, क्योंकि पहले जब हम फार्मूला जान जाएंगे तो सवाल भी लगा लेंगे, क्योंकि सवाल जो है फार्मूला से रिलेटेड ही होगा। फार्मूला पे रख देंगे, उसका वैल्यू आ जाएगा। तो सबसे पहले हम फार्मूला को देखते हैं कि कैसे क्या हुआ। तो देखिए क्या लिखा है, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस ए और दूसरे ब्रैकेट में है एक्स प्लस बी। ठीक है, तो इतना दिया है और इतना के रूप में आया है, वही हमें चेक करना है या समझना है कि फार्मूला मतलब कैसे क्या हुआ है कि उतना आया है। तो देखिए, तो जब गुणा करेंगे, ब्रैकेट में दोनों है तो ऑलरेडी गुणा है, तो जब एक्स का एक्स में गुणा करेंगे, ध्यान से देखिए, तो पहले एक्स में करेंगे तो आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो इसलिए प्लस का चिन्ह लगेगा। अब देखिए क्या करेंगे कि एक्स का बी में करेंगे तो आपका हो गया एक्स बी। ठीक है, प्लस प्लस है तो फिर प्लस। अब देखिए क्या करेंगे कि एक्स का एक्स में हो गया, इस वाले एक्स से पहले किया है गुणा, दोनों में इस एक्स से एक्स में किया तो एक्स स्क्वायर, एक्स बी से किया है तो एक्स बी। अब सेकेंड ए वाले से करेंगे, तो ए वाले से जब एक्स में करेंगे तो आपका हो जाएगा ए एक्स प्लस, प्लस है तो प्लस लग गया। फिर ए का बी में करेंगे, ठीक है, तो ए का बी में जब गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा ए बी। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे देखिए इन दोनों में देखेंगे कि कुछ कॉमन है या नहीं। ठीक है, तो ऑलरेडी हमें दोनों में दिख रहा है कि एक्स क्या है, कॉमन है, तो एक्स के बाहर कर देंगे, तो एक्स और ब्रैकेट में आपका बच जाएगा ए प्लस बी, प्लस में आपका हो गया ए बी। देखिए बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे बी है प्लस में ए है, तो यहाँ पे हम पहले लिखे हैं कि ए प्लस बी, तो यहाँ पे बी प्लस ए क्यों नहीं लिखा जाए। तो देखिए इसे क्रम विनिमेयता का नियम कहते हैं। क्रम विनिमेयता का नियम ये होता है कि जगह बदल दिया जाए फिर भी कोई चेंजिंग नहीं हुआ, वैल्यू में मतलब कोई चेंजिंग नहीं हुआ। जैसे आप एग्जांपल के लिए समझ सकते हैं, जैसे अगर हम लिख दें कि 5 प्लस 3 तो बराबर 8 ही होगा, और इसी का क्रम विनिमेय कर दे, क्रम का मतलब इसका जगह चेंज कर दे। ठीक है, अगर जब जगह करेंगे तो आपका हो जाएगा 3 प्लस 5, उस टाइम भी आपका क्या हुआ, 8 था, 8 ही हुआ, लेकिन जगह क्या हुआ, चेंज हो गया। तो वही यहाँ पे बी है और ए है, तो हमने क्या किया, ए प्लस बी कर दिया। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, अब ब्रैकेट से बाहर हम कर देंगे एक्स प्लस ए बी। देखिए इसमें भी सेम यही काम किया गया, क्या किया गया, जगह बदल दिया गया, पहले इसमें एक्स था उसके बाद में ए प्लस बी था ब्रैकेट में, हमने क्या किया कि ए प्लस बी कर दिया फिर ब्रैकेट में एक्स। ठीक है, ऐसे भी आप करते हैं, इस पे भी अगर आप लोग कोई सवाल हल करेंगे तो गलत नहीं आएगा। ठीक है, इस पे क्योंकि क्रम इनमें हुआ है, बस इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ। और यही चीज देखिए, यहाँ पर लिखा गया एक्स प्लस ए एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में एक्स प्लस बी है, तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस में ब्रैकेट में ए प्लस बी, वही चीज हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे के बाद क्या प्लस में ए बी प्लस सी बी। तो फार्मूला हमारा यहीं से आया है। ठीक है, तो अब चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, अभी तक ने हम तो फार्मूला को समझा, अब क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है, पहला इसमें क्वेश्चन दिया है कि एक्स प्लस फोर एक ब्रैकेट में और दूसरे में है एक्स प्लस टेन। तो देखिए सेम हम इसी फार्मूला पे रखेंगे, एक्स प्लस ए है, इसमें भी देखिए पहले की जगह पे एक्स है और ए की जगह पे क्या दे रखा है, 4 दे दिया है। ठीक है,
उसके बाद देखिए यहाँ पे x प्लस बी है ब्रेकेट में, यहाँ पे भी x है और b की जगह क्या है 10 दे रखा है, और इसको जब फार्मूला के रूप में हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा इतना। तो इसके आगे लिख लेंगे हम कि फार्मूला लिखेंगे कि चूंकि x प्लस ए एक ब्रेकेट में और एक ब्रेकेट में x प्लस बी, तो आपका हो गया बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है। देखिए बाकी अब कुछ नहीं करना है, जो फार्मूला दे रखा है इसी फार्मूला में हमें रख देना है। तो देखिए x है दोनों जगह पे, तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है x स्क्वायर है ना, और दोनों में ऑलरेडी x के जगह पे x ही है, तो x स्क्वायर हो गया। फिर करेंगे प्लस, प्लस कर देंगे, ब्रैकेट बनाएंगे और ब्रैकेट के बाद x है, तो इसमें x ही है तो ब्रैकेट के बाहर x हो गया प्लस। अब देखिए तो ब्रैकेट में क्या दिया कि a प्लस बी दिया है, और a प्लस बी दिया है तो इसमें देखेंगे कि a की जगह क्या है 4 है और b की जगह क्या है 10 है, तो लिख देंगे 4 प्लस 10। और फिर देखेंगे ए बी है, ए इंटू बी यानी कि ए और बी का क्या हुआ है गुणा हुआ है, तो गुणा कर देंगे तो ए की जगह क्या है 4 गुणे बी की जगह पे है 10, ठीक है। इसको हल करेंगे तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 10 4 14 14 और एक्स का गुणा करेंगे तो आपका होगा 14 में x प्लस 10 4 40, तो 40 हो गया। तो इस तरह से आप लोग इजीली इसको हल कर सकते हैं, बस फार्मूला आपको पता होना चाहिए और फार्मूला कहाँ से आ रहा है ये चीज पता होना चाहिए। अगर ये चीजें आपको पता है तो सवाल कुछ नहीं, मैथ देखा जाए तो कुछ नहीं है, बस आपको समझने की क्षमता होती है कि मैथ में क्या होता है कि आप ये किस सवाल को कई मेथड से लगा सकते हैं, बस डिपेंड करता है कि आप किस लेवल से या किस तरह से सोच रहे हैं, किस के हिसाब से सोच रहे हैं, उसके हिसाब से एक ही सवाल को कई मेथड से लगाया जा सकता है गणित में, तो आपके सोचने के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन, इसी का पहले का ही दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि x प्लस 8 दूसरे में है x प्लस 10, ठीक है। फिर इसको भी फार्मूला पे रखेंगे तो पहले में क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस, अब ब्रेकेट बनाएंगे उसके बाद x प्लस a इंटू बी फार्मूला है, और इसको हल कर देंगे, ठीक है। तो हल करेंगे तो क्या हो जाएगा कि x क्या हो जाएगा और a क्या है, एक के जगह पे है 8, यहाँ देखिए प्लस है तो प्लस लगाएंगे, लेकिन यहाँ क्या माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस में 10, और यहाँ पे क्या करेंगे गुणा कर देंगे, तो गुणा करेंगे तो 8 गुणे माइनस 10, ठीक है। तो देखिए तो 10 यहाँ क्लिक करिए x स्क्वायर, और 8 में से 2 10 जाएगा, प्लस में 8 है और माइनस में 10 है, तो आपका बड़े देखिए घटेगा और बड़े वाले का चिन्ह लगेगा, तो बड़े वाले के चिन्ह क्या है माइनस है, तो हो जाएगा माइनस में 2 और x प्लस, यहाँ देखिए 10 8 80 80 हो गया, और माइनस में क्या है तो माइनस में 80 हो गया। अब देखिए क्या करेंगे कि ब्रैकेट हटा देंगे, तो जब ब्रैकेट हटाएंगे तो आपका हो गया एक्स स्क्वायर, यहाँ देखिए माइनस और प्लस है तो क्या हो गया माइनस 2x, फिर यहाँ देखिए क्या है ये प्लस है और ये माइनस है, तो आपका हो जाएगा माइनस में 80, ठीक है। तो इस तरह से हल हो जाएगा। फिर चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, तो चलिए देखेंगे पहले का तीसरा क्वेश्चन आपका दे रखा है, एक ब्रैकेट में 3x प्लस 4 और दूसरे ब्रैकेट में है 3x माइनस 5। तो आप लोग ऑलरेडी जान रहे हैं कि अगर एक ब्रैकेट में x प्लस ए हो और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस बी हो या x माइनस बी हो, ठीक है। तो पहले हम प्लस पे समझेंगे, अगर एक में दिया हो कि x प्लस ए और दूसरे ब्रैकेट में हो x प्लस बी, तो आपका हो जाता है कि x स्क्वायर प्लस एक ब्रैकेट में a प्लस बी ब्रैकेट बंद और x प्लस a इंटू बी। बस सिर्फ आप एक फार्मूला इतना याद किए रहे, इस फार्मूला से ही बाकी हो जाएगा, प्लस माइनस से कोई आप परेशान मत होइए, क्योंकि प्लस माइनस जहां भी हो उसको ब्रैकेट में कर दीजिए, जब बाद में ब्रैकेट हटाएंगे तो अपने आप सिंबल चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं,
तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स के जगह पे आपका है 3x, तो लिखेंगे 3x का स्क्वायर। ठीक है, देखिए हमने इसे ब्रैकेट में इसलिए लिखा है कि अगर आप बिना ब्रैकेट के लिखते तो केवल एक्स का स्क्वायर होता, और जब ब्रैकेट में लगा दिए तो इसका मतलब कि यहाँ पर 3 का भी स्क्वायर हो गया और एक्स का भी स्क्वायर हो गया, और वही हम सिर्फ केवल 3x स्क्वायर लिखते तो जो स्क्वायर है सिर्फ एक्स का होता, 3 का नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए हमने ब्रैकेट लगा के लिखा। अब चलिए देखेंगे क्या है कि प्लस है, तो प्लस लगा देंगे ब्रैकेट में, देखेंगे कि ए प्लस बी दिया है, तो ए की जगह क्या है 4 है, तो 4 लिख देंगे। यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखेंगे, लेकिन उससे पहले क्या है कि माइनस है, तो माइनस हो जाएगा, माइनस में 5। अब फिर देखिए एक्स लिखना है, ब्रैकेट के बाहर एक्स लिखना है, और एक्स की जगह पे ही ऑलरेडी क्या है कि 3x दिया है, तो 3x लिख देंगे। उसके बाद है प्लस में ए इंटू बी, यानी कि ए बी, तो ए की जगह पे है 4 और गुणा में है 5, तो 5 का है -5, तो -5 लगाने के लिए हम ब्रैकेट लगा देंगे। अब इसको हल करेंगे तो 3 का करेंगे तो हो जाएगा 9x स्क्वायर, और उसके बाद पहले ब्रैकेट का हल करें, तो ब्रैकेट में आपका हो गया कि ब्रैकेट में माइनस में 1 हो गया, अब ब्रैकेट के बाहर क्या है 3x, तो 3x लिख देंगे। प्लस देखिए प्लस करेंगे तो 5 चौका 20, माइनस में हो गया 20। अब क्या करेंगे कि ब्रैकेट हटा देंगे, तो 9x स्क्वायर, यहाँ पे देखिए 3 का जब x में करें, 3 का जब 1 में करेंगे तो 3 हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस में हो गया आपका 3x, और यहाँ पे क्या है कि प्लस और माइनस जब ब्रैकेट हटेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस में आपका हो गया 20। तो इस तरह से आपका आंसर आ गया 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20। अब चलिए देखते हैं अगला चौथा, पहले का चौथा देखेंगे। पहले का चौथा में आपका दे रखा है कि y² + 3/2, एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में है y² - 3/2। तो देखिए इसका भी आप लोग ऑलरेडी फार्मूला में किसी फार्मूला के रूप में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो देखिए क्या है कि अगर एक ब्रैकेट में x प्लस ए दिया हो और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस बी दिया हो, तो इसकी जगह पे हम क्या करते हैं कि x² - b² लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम वही चीज दिख रहा है कि x जो भी है तो प्लस में है, एक ब्रैकेट में देखिए क्या है कि x प्लस ए है, एक ब्रैकेट में भी x प्लस में है, दूसरे में x माइनस है, तो यहाँ पे भी माइनस है, तो यानी कि क्या करेंगे इसको x² - b के रूप में लिख सकते हैं। तो x के जगह क्या है कि y है, तो देखिए यहाँ पे सिर्फ x है, इस पे पावर नहीं है तो हमने पावर लिखा है, लेकिन ऑलरेडी इसमें पहले से ही पावर है, पहले से ही घात 2 दे रखा है, तो यानी कि स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, तो लिखेंगे y² का स्क्वायर, माइनस माइनस है तो माइनस आएंगे, बी की जगह पे क्या है कि 3/2 है, तो 3/2 में 2 लिख देंगे, और इसका क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो देखिए y का क्या हो जाएगा, y² - 4 हो जाएगा, माइनस 3 का जब करेंगे तो 3 3 की 9 हो जाएगा, और नीचे 2 है तो इसका करेंगे तो 2 2 9 4, तो आपका हो गया y² - 9/4। अब चलिए देखते हैं अगला, आपका 5वां दे रखा है क्वेश्चन, उसको हल करते हैं। तो 5वां आपका क्वेश्चन है, एक ब्रैकेट में 3 - 2x और दूसरे ब्रैकेट में 3 + 2x, सेम ये भी उसी फार्मूला पे है, तो इसको उसी फार्मूला पे रख देंगे, तो x के जगह क्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस b की जगह पे आपका क्या है कि 2x है, और इसका जब हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो 3 3 क्या हो जाएगा 9, 9 माइनस, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है, तो यानी कि 2 का भी स्क्वायर है और x का भी, तो 2 का करेंगे तो माइनस में 4, और x का है तो x का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर, यानी कि आपका चौथा का हो जाएगा 9 - 4x स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग आसानी से क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक्स।